प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ मेरा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ हॉल। और मेरा काफ़ी मिनी हॉल होने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत लंबा नहीं होने वाला। साथ में मेरे एक आध प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो मेरे फ्लिपकार्ट के नहीं होंगे, तो मेरा ये सारा एक छोटू सा हॉल है जो है मेरे पास। वो है मीशो का ये जैकेट, और ये जैसे हम लोग डेनिम का जैकेट यूज़ करते हैं, ये वैसे ही एक शर्ट है। आप इसे बोल सकते हो, इसे सेकेंड शर्ट या जैकेट बोल सकते हो। सो ये है वो, और ये बहुत ही खूबसूरत ब्राइट कलर में है। आप देख सकते हो ये कलर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सभी को ये बहुत पसंद आती है ये वाली कलर। कोई शूज़ ट्राई करते हैं, कोई टॉप ट्राई करते हैं, तो कोई ऐसा शर्ट ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट मीशो से परचेस करा था, मीशो पे काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी और काफ़ी अच्छी मुझे काफ़ी जल्दी मुझे लगता है डिलीवर हुई है ये। और ये मेरा साइज है इसमें M, सो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 342 रुपीज़। और क्लॉथ की बात करें तो ये काफ़ी थोड़ा ये मोटे कपड़े का है, ज़्यादा पतला नहीं है, तो मैं आपको इसे विंटर में ट्राई करने के ज़्यादा सजेस्ट करूँगी। अगर आप ऐसा कुछ पहनते हो तो आप विंटर में ट्राई करो, क्योंकि गर्मी में आपकी वॉट लगा देगा ये कपड़ा। बाकी बात सारी चीज़ें ओवरऑल गुड हैं, तो मेरी तरफ से मुझे ये काफ़ी पसंद आई है। और मैं सारी चीज़ें, मैंने जैसा बताया, मुझे सारी चीज़ें लगभग ऑनलाइन से चीज़ें पसंद आ रही हूँ, कि मैं बहुत ठोक बजा कर चीज़ें खरीदती हूँ। ये फ्लिपकार्ट का पैकेट है, और ये दो ऐसे पैकेट्स हैं जिसको मैंने अब तक खोला भी नहीं है। उससे पहले हम इसे खोलेंगे, ये है फ्लिपकार्ट से। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या है जो मैंने फर्स्टली परचेस करा है। तो ये है वाव का रेड ओनियन ब्लैक सीड ऑयल स्किन मिस्ट टोनर, जो कि मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि मैंने वाव का ख़रीदा है। सो और इसकी प्राइस अगर दिखा दूँ मैं आपको, तो इसकी प्राइस है 349 रुपीज़। तो ये है मिस्ट टोनर वाव का, जो कि पैकेजिंग वाइज बहुत खूबसूरत लग रही है, और मुझे वाव की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा बहुत ही लग्जरी लगती हैं देखने में। और ये पहला प्रोडक्ट होगा जो कि मैं वाव का यूज़ करने वाली हूँ। मैंने अब तक इसे कभी वाव का कुछ भी मैंने यूज़ नहीं करा था, मैंने बस बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा था कि ये वाव का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वाव का कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, ऑनियन ऑयल हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं, बट फर्स्टली मैंने ये परचेज करा है और पैकेजिंग से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की शॉपिंग है, तो बिग बिलियन डेज काफ़ी ज़्यादा वाह। सो अंदर से ये कुछ इस तरीके का मुझे रिसीव हुआ है, और इसकी क्वांटिटी है 200 ml, और साथ ही में इसकी MFG है September 2020, और साथ में ये एक्सपायर होने वाली है August 2022। सो पैकेजिंग वाइज काफ़ी अच्छी है, और मैं इसे प्रोडक्ट देख लेती हूँ कि ये कैसा है। और हाँ, एक चीज़ मैं अभी नोट करा, जो कि मैं आपको मैंने पैकेजिंग वाइज मैंने अलग बताया, मैंने वाव के प्रोडक्ट्स को कभी यूज़ नहीं करा था, कभी देखा नहीं था। आप इसके कैप पे देखो, उन्होंने वाव का लोगो दिया है इसके कैप पे। सो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये सभी के साथ नहीं होती। साथ में ये एक पंप सिस्टम पे है, तो पंप सिस्टम की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी हाइजीनिक होती हैं। काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसमें, जैसा कि ये ऑनियन सीड ऑयल है, बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, इसमें कहीं भी ऑनियन की स्मेल नहीं है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। बिग बिलियन डेज में मैंने काफ़ी सस्ती चीज़ें, इनफैक्ट जो मैंने अब तक कभी नहीं करी हैं, इतनी सस्ती चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग या लोकल शॉप से, उतनी सस्ती सस्ती चीज़ें मैंने इधर से परचेस करी हैं, जिस चीज़ का मुझे बहुत मैं खुश हूँ कि यार इतनी सस्ती भी चीज़ें होती हैं। और मुझे ना एक चीज़ बड़ा सैड हो रही हूँ मैं सोच के, क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट ने अपने मुझे अपने फ्लिपकार्ट प्लस के जोन में लाया है, बट फ्लिपकार्ट ने मुझे प्लस वाली पैकेजिंग नहीं देते, वो कि वो मुझे नॉर्मल पैकेजिंग ही देते, जैसा कि वो मुझे पहले सेंड किया करते थे। पता नहीं है मुझे कब देंगे वो प्रोडक्ट। सो वो है ये जो मेरा पैकेट था, इसमें से मैंने निकाला है, और टॉकीज़ की एक खूबसूरत सी टॉप, और इसकी प्राइस है 749 रुपीज़। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मेरा कलर है ब्लैक, और ये के साथ था कैसा है आपके साथ, हम दोनों देख लेते हैं एक साथ। तो ये मेरा है वो टॉप,
जो कि टोक्यो टोकीज की है, और मैंने टोक्यो टोकीज की पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये ब्रांड। और साथ में इसकी जो क्लॉथ होती है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल, अफोर्डेबल एक्चुअली में ये आती नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा मेरे जब फ्लिपकार्ट के डील्स वगैरह चलते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है। इनफैक्ट मैं अगर आपको इनकी प्राइस बताऊँ तो आप यकीन नहीं करोगे। इसकी प्राइस मैं आपको इधर पहले दिखाती हूँ कि इसकी प्राइस यहाँ पर उन्होंने कितनी मेंशन करी हुई है। ये है 749 रुपीज़ की ये टॉप है, और मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 142 रुपीज़ की हुई है। इससे भी सस्ती कोई कपड़े आपको कहीं मिल, कोई शॉपिंग हो सकती है इससे भी सस्ती क्या? मेरे चैनल पे बने रहोगे तो सस्ते सस्ते सभी मैं आपको कराती रहूँगी। तो मैं बहुत खुश, मैं इसकी ब्रांड से खुश हूँ, इसके क्वालिटी से खुश हूँ, साथ में इसकी जो प्राइस है इतनी सस्ती, इतनी सस्ती जो कि आपको लोकल शॉप में भी इतनी सस्ती नहीं मिल सकती। ब्रांड तो ढूंढना सेकेंडरी है, बाद की बातें हैं, पर इतने सस्ते में आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। और इतने सस्ते में कि आपको अच्छा ब्रांड का टॉप फ्लिपकार्ट वाले दे रहे थे या दे रहे हैं, इसलिए मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है। सो थैंक यू फ्लिपकार्ट कि आप ऐसे अच्छे अच्छे डील्स लाते हो और काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कराते हो। शॉपिंग अब तक की और साथ में और मैंने क्या ख़रीदा है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये मेरी हो गई कुछ चीज़ें, और ये मेरा एक बेसिकली हॉल है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं दूंगी। अगर आपको कोई चीज़ और डिटेल में चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करो, मैं वहाँ आपको लिंक इसका शेयर कर दूंगी। एक कुर्ती है मेरे पास जो कि मैंने लोकल शॉप से ख़रीदा है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि आपके घर बगैर जो शहर बाज़ार में जो दुकानें मॉल हैं उन सभी से मैंने ये ख़रीदा है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। अगेन ये लाइट ग्रीन कलर में है, और ये है कुछ इसकी डिज़ाइन। ये फुल नेक में है, पीछे से ये बिल्कुल बंद गला है पीछे से, और साथ ही में इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रिंट इस पर दे के रखी, जो कि एक लाइट ग्रीन, डीप ग्रीन एंड गोल्डन कलर की ये इन्होंने फ्लावर बन दिए। साथ में इन्होंने यहाँ पर ये बटन्स लगाई हैं जो कि कुछ पूरी कुर्ती में नहीं लगी हुई, बस 3-4 बटन यहाँ पर इन्होंने ऊपर में लगाया हुआ है। और इसमें मेरा साइज है स्मॉल, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कंफर्टेबल है ये, बिल्कुल प्योर कॉटन में ये है ये कुर्ती। और इसका तो मैं लिंक आपको ऊपर नहीं दे सकती क्योंकि मैंने लोकल से ख़रीदा है शॉप से, बट आई होप कि आपको ये भी पसंद आया होगा। और इन सब की मैं इमेजेस लगा दूँगी। तो मेरी इस हॉल में एक ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, एंड इसकी प्राइस बताऊँ तो ये भी कुछ 800 रुपये के अराउंड थी। बट यहाँ तो होती हैं भाई लालची, उनके पास कितनी भी चीज़ें हों बट अगर उनको ऑफ़र वाले कुछ दिख जाए तो वो ख़रीदने से पीछे नहीं हटती, या उन्हें कुछ जम जाए तो वही चीज़ें मेरे भी साथ हो जाती है यार, कि मुझको कुछ पसंद आ गया तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती यार, खरीद लूँ खरीद लूँ खरीद लूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। और ऐसे ही मैंने काफ़ी सारी मैं शॉपिंग करती जाती हूँ, और फिर भी मेरा मन है कि मानता ही नहीं कि मुझको फिर कुछ खरीदना है। और हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे खुद के पैसों की, इनफैक्ट आप मतलब स्पॉन्सर वीडियो नहीं बोले होंगे क्योंकि स्पॉन्सर सिर्फ तो मेरे साथ आई ही नहीं है, बट ये सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से खरीदी है। थी मेरी ये हॉल और इन सभी की, मैं ये एक मेरी कुर्ती, इन सभी के इमेजेस मैं आपको साइड में लगा दूंगी और आप देख सकते हो। और अब मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, नेक्स्ट क्लॉथ हॉल है, सो प्रोडक्ट जो मैं बोलूँ वो है ये, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ये मैंने फ्लिपकार्ट की जब प्री बुक सेल चल रही थी तो वहाँ मैंने इसे बुक करी थी, और आपको अब मैं दिखाऊँ कि ये आप कैमरे में शायद ये रेड दिख रहा है, बट ये बिल्कुल मैरून कलर की ये एक जैकेट है, और इसकी प्राइस है 2399 रुपीज़ की ये है। इसे मेरा साइज है L, और ये है इसकी कुछ डिज़ाइन। आप देखो उन्होंने साइड में यहाँ पर एक रबड़ प्रोवाइड कराया है, और साथ में उन्होंने कैप इसकी कैप दे के रखी हुई है। काफ़ी खूबसूरत कलर है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस की। साइड में उन्होंने ये जीप देकर रखी है इनकी पॉकेट के लिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत लगी क्योंकि मुझे पॉकेट में हाथ घुसाना बहुत अच्छा लगी, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, मुझको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली। ये हो गई मेरी ये जैकेट, और इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने ख़रीदा था 671 रुपीज़ में, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल इसकी प्राइस। यहाँ पर 2400 रुपये है, मेरा मतलब है 2399 रुपये है इसकी प्राइस, और मुझे ये सिर्फ 700 में मिला था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल, काफ़ी कम, मतलब 70% ऑफ समझ लो आप इसको। और काफ़ी अच्छी, मैंने जैसा बताया कि काफ़ी अच्छी डील चल रही थी फ्लिपकार्ट पे,
तो उसमें मैंने ये कुछ सारी शॉपिंग्स करी हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और एक छोटू सा तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारे लिए बहुत ज़्यादा, एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।